हेलो नमस्कार। मुझे याद है हमने एक जर्नी स्टार्ट की है और एक महीना पहले मैंने लास्ट वीडियो भी बनाया था उसके ऊपर। अब वो जर्नी रीस्टार्ट करनी है, उसको आगे बढ़ाने का टाइम है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि वीडियो वैसे भी लंबा होने वाला है। बात करते हैं नक्षत्रों के बारे में। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि हमारी 12 राशियाँ होती हैं और 27 नक्षत्र होते हैं। एस्ट्रोलॉजी में नक्षत्र को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने नक्षत्र को नहीं समझा, क्योंकि नक्षत्र एक समझ लीजिए कि आप जो मोबाइल फ़ोन देखते हैं है ना, वो बाहरी हिस्सा होता है, वो होती है राशियाँ। पर उस मोबाइल फ़ोन के अंदर जो मदरबोर्ड होता है, जो वायरिंग, जो कनेक्शंस होते हैं, आप किस बटन को दबाओगे तो क्या एक्शन होगा, ये होता है नक्षत्र। ये होती है हमारी इंटरनल वायरिंग, हमारी कुंडली की जो वायरिंग है वो है नक्षत्र। तो नॉर्मली तो आदमी, कई सारे ज्योतिष हैं, नक्षत्रों के बारे में बात नहीं करते, वो सिर्फ राशि पे बात करते हैं। वो कहते हैं आपके मोबाइल में जो बटन है ना, ऊपर 12 बटन होते हैं, 1 से 9 तक, फिर 0 और हैशटैग और स्टार। वो कहते हैं ये 12 बटन ही हैं, मतलब वो 12 राशियों को ही मेन मानते हैं और उसी के हिसाब से वो चलते हैं। ठीक है, उनका अपना तरीका है। पर अगर आपको डेमोग्राफी समझनी है, हमारी कुंडली के अंदर की वायरिंग को समझना है कि कौन सा बटन दबाने से क्या हो रहा है, क्योंकि कई बार एस्ट्रोलॉजी फेल होती है लोगों की। अरे यार, तुम्हारा तो ये महादशा आ गई है इस प्लेनेट की, तो तुम्हारा 10th लॉर्ड है, तो बहुत बढ़िया करेगा, तुम्हारा तो बहुत अच्छा काम चलेगा। पर होता क्या है, क्यों? क्योंकि वो एक जनरल प्रेडिक्शन दे रहा है कि 10th हाउस में आपका मंगल बैठा हुआ है, भाई जनरल प्रेडिक्शन है, तुम्हारा तो बहुत बढ़िया करोगे। अब आदमी की उम्र निकली जा रही है, बोल रहा भाई 35 साल का हो गया हूँ, पैसे के दर्शन नहीं हुए, अकाउंट खाली है, और तुम क्या अपना जबरदस्ती का दिए जाते हो ज्ञान की, भैया तो लखपति बने, करोड़पति बनेगा। क्यों? क्योंकि नक्षत्र लेवल पे उस ज्योतिष ने अंदर झांका ही नहीं, अंदर की वायरिंग को देखा ही नहीं कि तुम्हारा 10th हाउस प्रेस कैसे होगा, कब किस प्लेनेट की महादशा अंतरदशा में वो 10th हाउस जाके बटन दबेगा तो तुम्हारे पास काम आएगा। और वो बटन दूसरा जो दबेगा, वो उसकी वायरिंग 10th हाउस की कनेक्शन 2nd हाउस और 11th हाउस से है कि नहीं, कि आप जो काम करोगे उसका आपको फल मिलेगा कि नहीं, बोनस मिलेगा कि नहीं, जॉब में प्रमोशन मिलेगी कि नहीं, पेमेंट मिलेगी कि नहीं, आपके बैंक अकाउंट में सेविंग होगी कि नहीं, आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो लॉस तो नहीं हो जाएगा, उसके बदले में आपको कुछ मिलेगा कि नहीं। ये होती है इंटरनल वायरिंग, ये वो देखी जाती है नक्षत्र लेवल पे। तो आधा अधूरा ज्योतिष हजारों लोग सिखा रहे हैं इंटरनेट पे, प्लीज मत सीखो। कोई नक्षत्र ज्योतिष की बात करता है सिर्फ उसी का वीडियो क्लिक करो, और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको समझ लेना, आपको किसी और का वीडियो देखने की शायद ज़रूरत ना पड़े। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर हूँ, पर मुझे इसका लॉजिक समझ में आ गया है जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कॉपी इसलिए उठाई हुई है कि मेरे से गलती ना हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पर हो सकता है कि आदमी की कभी ज़बान फिसल जाए, तो मैं गलती नहीं करना चाहता। तो शुरुआत करते हैं। पहली आती है आपकी मेष राशि। हर राशि में 3 नक्षत्र होते हैं, मैंने पहले ही बताया था। तो मेष राशि में सबसे पहला नक्षत्र होता है अश्विनी नक्षत्र, जो कि होता है 0 डिग्री से लेके 13.20 डिग्री तक। इसमें 4 पद होते हैं, पदों की बात मैं बाद में करूँगा। अब इसका स्वामी कौन होता है नक्षत्रों का, यही सबसे बड़ा खेल है ना। मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश करूँगा। तो अश्विनी नक्षत्र के स्वामी होते हैं केतु देवता। दिशा होती है पूर्व, ठीक है। ये सब याद रखना जो मैं कह रहा हूँ, चाहो तो एक कॉपी में प्लीज़ ऐसे एक रजिस्टर ले लो और उसमें इस टाइप का एक पूरा चार्ट बना लो, और जो मैं बोलता जा रहा हूँ उसे लिख लो। ये अभी नहीं पढ़ पाओगे, मैं बता। तो क्या होता है, जैसे मेष राशि, पहला नक्षत्र अश्विनी, और स्वामी जो होते हैं उसके केतु देवता होते हैं, दिशा जो होती पूर्व। ये सब काम की चीज़ें, मैं जब आगे आप लोगों को पढ़ाऊँगा तो आपको बहुत काम आएगा। इनका जो साइन है वो है घोड़े का माथा, ठीक है, और प्रवृत्ति है तामसिक। गण जो है इनके देवता हैं। अब यहाँ बहुत ही कंफ्यूजन होता है एस्ट्रोलॉजी में कि यार देवता गण हैं फिर भी प्रवृत्ति तामसिक है। तो देखो मैं बता दूं कि तमस जो है वो देवताओं में भी होता है, और राक्षस भी अच्छे हो जाते हैं कई बार,
तो ये फिक्स नहीं है कि राक्षस बुरा ही होगा, देवता अच्छे ही होंगे, ठीक है। तो अभी मैं जो पढ़ बता रहा हूँ वो लिख लो, क्योंकि वो समझ में इतनी जल्दी नहीं आएगा। वर्ण वैश्य होता है, दिशा पूर्व, कर्म जो होता है धर्म, केतु का जो बेसिक कैरेक्टरिस्ट है वो धार्मिक है, धर्म के प्रति आपके मन की आस्था को बनाए रखना है। शरीर का हिस्सा जो होता है पांव का ऊपरी भाग, रंग जो है लाल, तत्व है पृथ्वी, और पंछी जो होते हैं उनमें केतु के जो जो माना जाता है जिन पे केतु का इफेक्ट है वो है गरुड़ देवता। और प्रोफेशन में ये लोग बहुत अच्छे लेखक और कहानीकार हो सकते हैं, जो अश्विनी नक्षत्र में पैदा हुए लोग हैं, ठीक है। दूसरे नक्षत्र पे आते हैं, फिर आता है भरणी नक्षत्र, जो कि मेष राशि में 13.20 डिग्री से 26.40 डिग्री तक होता है। देवता हैं शुक्र, और शुक्र हैं तो जो स्त्रीलिंग की राशि है, इसके देवता शुक्र देव इसके स्वामी हैं, और देवता हैं यम, यम देवता भरणी नक्षत्र के, और राजसिक हैं, और गण जो है इनका मनुष्य है, वर्ण है ये मलेच्छ, है ना, पूर्व दिशा में है, और कर्म है इनका अर्थ, मतलब ये पैसे के पीछे भागने वाले लोग होते हैं, समझ जाओ भरणी नक्षत्र में पैदा हुए लोग, मनी माइंडेड। पांव का निचला हिस्सा जिसे हम तलवा कहते हैं, इनका शरीर पे इफेक्ट रहता है, आपके किस भाव में शरीर के किस बॉडी पार्ट में भरणी नक्षत्र का इफेक्ट होता है। फिर लाल खूनी रंग होता है इस नक्षत्र का, तत्व वही पृथ्वी है, और इनका जो जानवर से कनेक्ट किया जाता है वो हाथी से कनेक्ट किया जाता है इनको, पंछियों में कौवा, और ये बेसिकली लड़ भिड़ने वाले लोग होते हैं क्योंकि लाल खूनी है, और जो है ये इस के लोग जो होते हैं भरणी नक्षत्र में पैदा हुए लोग, ये लोग विजेता टाइप के लोग होते हैं, लड़ भिड़ के जीतना, किसी भी तरह जीतना इनकी प्रवृत्ति होती है, इसके लिए बुरे कर्म भी करते हैं, आगे बात करेंगे। तीसरा नक्षत्र है कृतिका, जो कि मेष राशि में 26.40 डिग्री से शुरू होके ये वृषभ राशि के 10 डिग्री तक चला जाता है। सूर्य इसके स्वामी देवता हैं। अब यहाँ पे चूंकि यहाँ पे देवता भले ही सूर्य हैं, पर नक्षत्र जो है वो कृतिका है, तो स्त्री लिंग की राशि का नक्षत्र है, देवता इसके अग्नि हैं, मालिक सूर्य हैं, देवता अग्नि है, थोड़ा सा जबान फिसल जा रही है, और इसका जो निशान है कृतिका वो है चाकू, ठीक है, जितने भी नुकीले जो आपके हथियार हैं वो कृतिका नक्षत्र के अंदर आते हैं। राजसिक इसकी प्रवृत्ति है, राक्षस इसके गण हैं, वर्ण अब ये देखो ब्राह्मण है, तो कैसा है, ब्राह्मण वर्ण होते हुए भी राक्षस वाला काम करने वाला ये नक्षत्र है, कृतिका नक्षत्र में जन्मे लोग परिवार में कुल में ब्राह्मणों के पैदा होते हैं, पर कई बार ऐसे कार्य कर लेते हैं जो राक्षसी प्रवृत्ति के होते हैं। पूर्व दिशा है, काम बहुत होता है इनके अंदर, वासना अधिक होती है कृतिका नक्षत्र के लोगों में। सिर इनका जो आधिपत्य है हमारे शरीर में वो सिर पे है, रंग सफेद है, तत्व पृथ्वी है, भेड़ जानवरों में देखा जाता है कृतिका नक्षत्र में, भेड़ों में भी बहुत वासना होती है, समझ गए, मोर पंछी है, है ना। अब यहाँ उस पर नहीं जाते हैं कि मोर में कितना सेक्स, मोर में बहुत सेक्स होता है। सामाजिक सेवा, इनका जो कर्म होता है बेसिकली सोशल वर्कर अच्छे होते हैं, और सोशल वर्क करते करते ही अपने सारे हित निकालने वाले लोग होते हैं, कि काम करो दूसरों के प्रति और अपना हित भी निकालो। फिर आएंगे रोहिणी नक्षत्र, वृषभ राशि में 10 डिग्री से लेके 23.20 डिग्री, चंद्रमा इसके स्वामी हैं, स्त्री लिंग की राशि है, देवता ब्रह्मा जी हैं,
प्रजापति जी हैं, चिन्ह बैलगाड़ी है, राजसिक प्रवृत्ति के हैं, मनुष्य इनका गण है, वर्ण इनका शूद्र है। पूर्व दिशा मोक्ष के कारक, और माथा जो होता है हमारा ये हिस्सा, ये होता है रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुए लोगों का माथा बड़ा अट्रैक्टिव होगा, मेरा नहीं है। और सफेद इसका भी रंग है, तत्व पृथ्वी है, और जानवरों में ये नाग जो देव होते हैं उनसे इनका कनेक्शन है, सफेद उल्लू पंछियों में, ठीक है, इसीलिए काफी धनवान होते हैं। देख, ऐसा कहा जाता है कि रोहिणी नक्षत्र के लोगों के पास धन आता ही आता है, सफेद उल्लू है, माँ लक्ष्मी का वाहन है। खेती इनका, इनके लिए जो प्रोफेशन है बेनिफिशियल वो है खेती, मरीन लाइन्स यानी कि जो भी समुद्री और नौका विहार जितने भी प्रोफेशन होते हैं मरीन से जुड़े हुए, होटल इंडस्ट्री में बहुत अच्छा करते हैं, होटल इंडस्ट्री में भी इनका काफ़ी नाम हो जाता है। फिर आता है मृगशिरा नक्षत्र। अच्छा, वृषभ राशि में रोहिणी की मैंने डिग्री नहीं बताई, वो लिख लीजिए 10 डिग्री से लेके 23.20 डिग्री तक होता है। फिर आ जाता है मृगशिरा नक्षत्र जो कि 23.20 डिग्री वृषभ राशि से लेके मिथुन राशि के 6.40 डिग्री तक होता है। मृगशिरा के स्वामी मंगल हैं, पुरुष राशि है ये, और सोम इसके देवता हैं। हिरण का सिर इसका साइन है मृगशिरा नक्षत्र का, मृगशिरा मतलब हिरण, मृग शिरा मतलब उसका सिर। तामसिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, गण इनके देवता हैं, वर्ण जो है इनका सेवक है, अच्छे बहुत अच्छे सेवक होते हैं मृगशिरा नक्षत्र में वो पैदा हुए लोग। पूर्व दिशा मोक्ष की प्राप्ति, आईब्रोज पे मृगशिरा नक्षत्र का हमारी बॉडी में इफेक्ट होता है, जो भी मृगशिरा नक्षत्र के लोग पैदा होते हैं उनके आईब्रोज सबसे आपको इफेक्टिव दिखेंगे, अलग ही। सिल्वर इनका रंग है, ग्रे जिसे चांदी का कलर कहते हैं, तत्व पृथ्वी है, नागिन जानवरों में नागिन और पंछियों में मुर्गी जो है इसके कनेक्टेड में होती है, शक्तिशाली ताकतवर शरीर के स्वामी होते हैं। आर्द्रा नक्षत्र मिथुन राशि 6.40 डिग्री से लेके 20 डिग्री तक, स्वामी है राहु देवता, मायावी लोग होते हैं भाई, मिथुन राशि के लोगों में माया बहुत होती है, माया बोले तो कैरेक्टर्स बहुत होते हैं इनके अंदर, ये किसी भी कैरेक्टर को देखते हैं और तुरंत ऑब्जर्व कर लेते हैं और वैसा ही बिहेव भी करना चालू कर लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर मिथुन लग्न का कोई व्यक्ति है और आर्द्रा नक्षत्र का कोई व्यक्ति है लग्न का है तो वो बहुत बढ़िया कलाकार होते हैं, किसी भी कैरेक्टर को उनको दिखा दो, उनको बोलो ऐसे कर दो, वैसा कर देते हैं, सबसे अच्छे एक्टर्स में इनकी गिनती होती है। ऑब्जर्वेशन पावर तो इतनी तगड़ी होती है कि किसी को देख लें खाली, उसके बोलने का तरीका, चलने का तरीका, हंसने का तरीका, उसका काम करने का तरीका, अगर किसी और को कोई आर्टिस्टिक काम करते हुए पेंटिंग करते देखेंगे तो पेंटिंग सीख जाएंगे, किसी को लिखते देखेंगे लिखना सीख जाएंगे। सबसे अच्छे स्टूडेंट होते हैं जो ऑडियो वीडियो से सीखते हैं, ये कॉपी पेन वाले नहीं हैं बच्चे, इनकी आपकी अगर आप एकेडमिक देखोगे ना तो मोस्टली इनकी एकेडमिक ख़राब मिलेगी। एकेडमी के मामले में आर्द्रा नक्षत्र के लोग बहुत ज़्यादा डिग्री या उसमें नहीं होते, पर अगर हो जाए तो कमाल ही है भाई, उनका फिर भाग्य ही बहुत बढ़िया, दूसरे ग्रहों का सपोर्ट बहुत अच्छा हो जाए। पर ये लोग ऐसे लोग होते हैं कि 10वीं पास होके भी MBA वालों को अपने यहाँ नौकरी करवा लेते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े आर्टिस्ट लोग होते हैं कि मतलब आप डबल MA किए हुए, ट्रिपल MA किए हुए, फलानी IT की डिग्री, आप इनके नीचे नौकरी कर रहे होते हो भाई साहब। राजनेता होते हैं, देश के प्रधानमंत्री, ये मंत्री, वो मंत्री, अगर कभी मान लो कि इनका सन जुपिटर अच्छा हो गया तो गवर्नमेंट पोस्ट में भी अगर आके बैठे ना तो बहुत बड़ी पोस्ट में होंगे, मतलब कम पढ़ाई के बावजूद भी लोगों को अपने नीचे काम करवाना, ये कला होती है आर्द्रा नक्षत्र में। आप इनको जज ही नहीं कर सकते इनकी एजुकेशन, आपको लगेगा यार बहुत पढ़ा लिखा आदमी है तो बहुत बड़ा आदमी है, हो सकता है उसने 10वीं से ज़्यादा पढ़ी ना हो, हो सकता है 5वीं 8वीं पढ़ा हो, पर कसम से कह रहा हूँ आर्द्रा नक्षत्र
अकेला ऐसा नक्षत्र है, राहु का नक्षत्र है, और किसी का राहु भी इसी में प्लेस्ड आके बैठ जाए, उस आदमी से कोई नहीं जीत सकता कलयुग में। तो कलयुग की बात कर रहा हूँ सर, मैं कहता हूँ सलाम ठुकवा लेते हैं बड़े बड़ों से, बड़े से बड़ा आदमी जो भी होगा ना, जिसके साथ एक काम कर रहे होते हैं, उस आदमी को ये एहसास करा देते हैं कि मे भी तू बहुत बड़ा होगा बट मैं कम नहीं हूँ। घमंड नहीं होता इनके अंदर, क्वालिटी होती है, स्किल होता है, बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आर्द्रा नक्षत्र का आदमी किसी को आप जानते हो, किसी को आप देखोगे, वो उसकी माया ऐसी होगी, उसकी बातों से आप हिल नहीं पाओगे। जब तक वो बोल रहा है ना, आप कुर्सी पे बैठे रहोगे। जब तक वो खड़ा है, आप उस आपकी आंखें, उसके आपके नाक कान सारी इंद्रियां आपकी उसकी तरफ आकर्षित होंगी कि ये क्या बोल रहा है भाई, इसको सुनो। ऐसे एक व्यक्ति के बारे में बताऊँ ना, आर्द्रा नक्षत्र का कौन है, आगे बात करते राहु इसके स्वामी हैं, स्त्रीलिंग है, रुद्र देवता, मतलब स्वयं शिव रुद्र अवतार इसके देवता हैं। रुद्र चिन्ह जो होता है आंसू, आर्द्र नक्षत्र मतलब शिव के आंसू, भगवान शिव के आंसू। जब शिव जी ने विष पिया था ना, तो उनको इतना गला उनका जल रहा था, पर वो कुछ बोले नहीं, उनकी आंखों से सिर्फ अश्रु बह रहे थे। ये वही टपके हुए अश्रु हैं जिसे आर्द्र नक्षत्र कहते हैं। और कहते हैं कि आर्द्र नक्षत्र में जन्म लिया हुआ व्यक्ति बहुत अंदर ही अंदर बहुत रोता है, जीवन में दुनिया को नहीं दिखाता, पर अंदर ही अंदर शिव की तरह वो जहर पी रहा होता है। जिस शिव के अश्रु होते हैं वैसा होता है। तामसिक प्रवृत्ति होती है, इसे बहुत शौक होता है मांस मदिरा का, सिगरेट वगैरह का बहुत शौक होता है। देवता नहीं, मनुष्य गणों में मनुष्य कसाई प्रवृत्ति का वर्ण का होता है। अगर ये मांस मटन की दुकान खोल ले, बहुत बढ़िया क्वालिटी का आपको नॉनवेज मिलेगा। हालांकि है तो पाप, पर इसके कर्मों में लिखा हुआ है तो क्या करे बेचारा। अगर कोई आर्द्र नक्षत्र का व्यक्ति पैदा हुआ तो इसके कर्मों में लिखा है कि वो कसाई का काम अच्छे से करेगा। साउथ ईस्ट इसकी दिशा है, काम कर्म बहुत काम ही होते हैं, सेक्स पावर बहुत ज़्यादा होती है। मिथुन लग्न में, मिथुन राशि में आर्द्र नक्षत्र का व्यक्ति सेक्स भरपूर है उसके पास। कामदेव का पूरा अवतार है, देखा जाए तो कामदेव ही है, ठीक है। आंखें इस व्यक्ति की, अगर आपने इसकी आंखों में देख लिया, आपका खेल खत्म। इसकी आंखें इतनी दूर है कि 10 किलोमीटर दूर भी कोई चीज़ ये देख लेगा, समझ लेगा, अंदेशा लगा लेगा। लोग बहुत अच्छे पायलट्स भी होते हैं एयरलाइन में, बहुत अच्छे पायलट्स मिलेंगे आपको इस नक्षत्र के लोग, और गाड़ी चला रहे हैं, बहुत अच्छे दूरदृष्टि रहती है, लाइफ में भी बहुत दूरदृष्टि रहती है। अब ये अगर इनको अपने शिकार पे झपट्टा मारना है, कुछ नहीं, आकाश में बहुत ऊंचा उड़ता है ना, जैसे आपका ब्लैक एंड रील पक्षी, जिसे आप चील कौए चील भी बोलते हैं, बाज भी बोलते हैं, ये लोग ऐसे होते हैं आकाश में बहुत दूर, जीवन में बहुत दूर होते हैं, पर अपने शिकार पे नज़र पूरी रहती है, जहां मौका मिलता है आके झपट्टा मार देते हैं। आंखें इनकी बहुत खतरनाक होती हैं, इनकी आंखों में आपने झांक लिया आप गए, खेल खत्म। रंग हरा है, तत्व जल है। जानवरों में फीमेल बिच जो होती है उसको कहते हैं, इससे कनेक्शन है इस नक्षत्र से। और पंछियों में मैंने बताया ब्लैक एंड्रिल, मतलब काली चील, बहुत लविंग और बहुत केयरिंग लोग होते हैं। इनसे बढ़िया लविंग और केयरिंग दुनिया में कोई इंसान नहीं होता। ये जिस व्यक्ति के प्रति इनके मन में अच्छे भाव आ जाए, उसके लिए सब कुछ करते हैं, उस व्यक्ति के लिए अपना अपने परिवार, इनके परिवार में अगर 20 जने भी हैं तो 20 के 20 लोगों से प्यार करना इन्हें आता है। और अगर आप इनके जीवन में प्रेमी बन के आए तो आपको बिल्कुल इतना प्यार करेंगे जैसे कि आप इनके ही फैमिली का हिस्सा। सबसे ज़्यादा लविंग और केयरिंग अगर दुनिया में जितने लोग हैं, सिर्फ आर्द्र नक्षत्र के लोग हैं, इनसे ज़्यादा लविंग केयरिंग कोई नहीं होता, क्योंकि ये अपना सब कुछ देते हैं रिलेशनशिप में। ये अपनी हर चीज़ दाव पे लगा देंगे, हर चीज़ तुम पे लुटा देंगे अगर आप इनके प्रिय हो,
अगर आप इनको तकलीफ नहीं पहुंचा रहे हैं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र मिथुन राशि में 20 डिग्री से लेकर कर्क राशि के 3.20 डिग्री तक। स्वामी है गुरु, दिशा है पूर्व और देवता है अदिति। जग जननी बोला जाता है उन्हें, पूरे जग की माँ। सात्विक प्रवृत्ति के देवता इनके गण है, वैश्य होते हैं। बेसिकली ये व्यापारी बुद्धि बहुत अच्छी होती है इनकी। नॉर्थ इनकी दिशा है, नाक इनकी स्पेशली आपको दिखेगी अलग ही, बहुत सुंदर नाक होती है इनकी। रंग जो है स्टील ग्रे कलर होता है, तत्व जल है। बिल्ली इनका जो है जानवर है। आप देखोगे कि पुनर्वसु नक्षत्र में जो लोग पैदा हुए हैं वो बिल्लियों को खासकर पालते हैं। स्वान, पंछियों में स्वान इन्हें पसंद होता है। यात्रा बहुत करते हैं ये, यात्रा या तो इनके जीवन में जुड़ी होती है इनके प्रोफेशन के साथ, या तो ये टूरिस्ट, इनका मन ही नहीं लगता, ये इधर उधर भटकने में इनका मन लगता है। तो अगर इस प्रोफेशन में हो ट्रैवल एंड टूरिज्म में तो बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा कर जाएंगे ट्रैवल एंड टूरिज्म में सबसे अच्छे। आप देखोगे जितने भी ऐसे लोग हैं जो दुनिया भर घूमते हैं और ब्लॉगर बनते हैं, ये बहुत अच्छे ब्लॉगर होते हैं, बहुत अच्छे फोटोग्राफर भी होते हैं, जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स होते हैं। अब आ जाते हैं पुष्य नक्षत्र। कर्क राशि में 3.20 डिग्री से 16.40 डिग्री। स्वामी हैं शनिदेव, दिशा पूर्व। बृहस्पति इनके देवता और कमल का फूल इनका चिन्ह है और तामसिक प्रवृत्ति है और देवता इनके गण हैं। क्षत्रिय वर्ण के होते हैं ये, स्पेशली याद रखना क्षत्रिय, मतलब अगर पुष्य नक्षत्र का नक्षत्र में जन्मा व्यक्ति है तो ये ध्यान रख लेना कि वो क्षत्रिय होगा, निडर निर्भीक, लड़ने भिड़ने वाला अपने हितों के लिए, परिवार के हितों के लिए। पूर्व दिशा, चेहरा बड़ा आकर्षक होगा, काला लाल, मतलब ऐसा रंग, लाल रंग जिसमें कालापन हो। तत्व जल बकरा, जानवरों में बकरा है ना, और पंछियों में सी क्रो होती है, और पीपल का पेड़ स्पेशली जो है पुष्य नक्षत्र से कनेक्टेड है, इसलिए कहते हैं पीपल के पेड़ में आप मीठा चढ़ाइए और जल चढ़ाइए, क्योंकि पुष्य नक्षत्र गुरु का है, आप जो भी अर्पण करते हो सीधा बृहस्पति देवता को पहुंचता है पीपल के पेड़ में। रॉयल लाइफ जीते हैं भाई, इस नक्षत्र में पैदा हुआ व्यक्ति अक्सर दिखा जाएगा रॉयल लाइफ जी रहा है, अगर उसके दूसरे ग्रह उसे सता नहीं रहे तो। बेसिकली अगर इस नक्षत्र में पैदा हुआ तो कहीं ना कहीं उसके पूर्व जन्म के कर्म अच्छे हैं, इसलिए इस जन्म में बहुत अच्छी रॉयल लाइफ उसको मिलती है। अश्लेषा नक्षत्र 16.40 डिग्री, राशि वही है आपकी कर्क, 30 डिग्री तक। स्वामी है बुध, स्त्री। सर्पराज इसके देवता जो हैं सर्पराज हैं। नाग का चिन्ह जो है इनके लिए अश्लेषा नक्षत्र वालों के लिए अच्छा है। सात्विक लोग होते हैं, गण बाकी राक्षस होगा और वर्ण मलेच्छ होगा, दिशा दक्षिण होगी। कान इनके आकर्षक होंगे, वही काला रंग है इनका भी। जल तत्व है, बिल्ला, जानवरों में बिल्ला, और सीपर्ड ईगल, सरपेंट ईगल, एक चील कौओं में प्रजाति होती है जो सरपेंट ईगल के नाम से जानी जाती है, प्रसिद्ध लोग होते हैं। अश्लेषा नक्षत्र की बात कर रहे हैं, अश्लेषा नक्षत्र में जन्म लिए हुए लोग अक्सर प्रसिद्ध होते हैं। फिर आ जाते हैं मघा नक्षत्र, सिंह राशि में 0 डिग्री से लेकर 13.40 डिग्री तक। केतु इसके स्वामी हैं, स्त्रीलिंग है, पितृदेव हैं। अब सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट हमारी लाइफ में अगर कोई नक्षत्र है, किसी को भी पितृदोष है तो उसको देखना चाहिए कि मेरी सिंह राशि में, मेरे मघा नक्षत्र में कौन सा प्लैनेट भी बैठा है, उस प्लैनेट को खुश करो, आपके पितर खुश हो जाएंगे। पितृदेव हैं इसके देवता, ताज, सर का जो ताज होता है राजा महाराजाओं के, वो मिलता है अगर जिनका मघा नक्षत्र में पैदा हुए लोगों को कहीं ना कहीं जीवन में ताज की प्राप्ति होती है, कोई ना कोई ऐसा खिताब मिलता है राजा महाराजा टाइप का, वो जहाँ भी काम करते हैं अपने उसमें, फैमिली में, बिजनेस में,
कुछ ऐसा करते हैं कि भैया उनके सर पे ताज आ ही जाता है। तामसिक प्रवृत्ति, राक्षस गण, शूद्र वर्ण, देखा जाए तो थोड़ा सा तकलीफ समाज के लिए है, क्योंकि शूद्र गण है, राक्षस गण है, शूद्र वर्ण है। दिशा पश्चिम है, होठ दाढ़ी इनकी बड़ी अट्रैक्टिव होते हैं, होठ और दाढ़ी, लिप्स और चिन। आइवरी कलर है, जल तत्व है चूहा, इनका जो जानवर है चूहा, ऐसे लोग चूहे भी पालते हैं, चूहे पालने वाले लोग मिलेंगे। ईगल है अगेन इनका भी जानवर, और बरगद का पेड़, बरगद का पेड़ कहते हैं कि बरगद के पेड़ को कभी काटना नहीं चाहिए, राज पाठ खत्म कर हो जाता है। कई लोग ऐसे होते हैं ना जिनकी जमीन पे बरगद का पेड़ होता है, कटवा लेते हैं, जैसे पेड़ कटा राजपाट खत्म, क्योंकि मघा नक्षत्र में पैदा हुए लोग राजा बनते ही हैं जीवन में। ये किसी, ये जितने भी लोग हैं अपने जीवन में राजा का जीवन जरूर जीते। फिर आ गया पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, सिंह राशि में ही है, 13.20 डिग्री से 26.40 डिग्री। स्वामी शुक्र, लिंग स्त्री, लव एंड लक इनके देवता हैं। झूला साइन है, झूला झूला, ऐसे लोगों को घर में झूला जरूर लगाना चाहिए, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में पैदा हुए लोगों को झूला जरूर होना चाहिए, और अच्छा बढ़िया वाला झूला होना चाहिए, सुंदर वाला, टूटा फूटा झूला कभी नहीं लगाना, आपकी लाइफ में दिक्कत आ जाएगी। राजसिक प्रवृत्ति होती है, मनुष्य इनके गण हैं, देव ब्राह्मण इनका वर्ण है, उत्तर दिशा है, सीधा हाथ, हमारी बॉडी में सीधा हाथ इसका जो है शरीर का भाग है। पेल ब्राउन कलर होता है, जल तत्व है, चूहिया, फीमेल चूहिया, चूहिया इनका, इनको पालना चाहिए। फीमेल ईगल, फीमेल ईगल जो है ये आपके पंछी हैं। और एजेंट, ऐसे लोग जो है बेसिकली दलाली का काम बहुत अच्छा करते हैं, थोड़े करप्ट भी होते हैं, दलाली में भी ये अपना हिस्सा मार ही लेते हैं कहीं ना कहीं से, जो दलाली हक की होती है उससे ज़्यादा खा लेते हैं, कुछ झोड़ झाल करने वाले लोग होते हैं, ठीक है। अब आता है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सिंह राशि का है और ये कन्या राशि तक जाता है, इसमें 26.40 डिग्री सिंह राशि से शुरू होकर 10 डिग्री कन्या राशि तक जाता है। सूर्य इसके स्वामी है, स्त्री इसका लिंग है, आर्यमान देवता हैं, पलंग के चारों पाए। अगर कोई व्यक्ति उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में पैदा हुआ है, अगर वो पलंग पे सो रहा है, उसके चारों पाए बराबर हैं, मजबूत हैं, तो उसकी लाइफ बहुत बढ़िया चलेगी। अगर आप उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में पैदा हुए और आपके, मान लो कि आप जहाँ सो रहे हो आपका पलंग टेढ़ा लगा है, आपकी ज़मीन टेढ़ी है, या आपके पलंग का एक आध पाँव टेढ़ा है, आप नीचे जुगाड़ में पत्थर लगा के जी रहे हो, आपके जीवन में जुगाड़ लग जाएगी भैया। एक बात ध्यान रख लेना, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में पैदा हुए हो, पलंग के चारों पाए मजबूत होने चाहिए, पलंग मजबूत होना चाहिए, मजबूत तो जीवन मजबूत रहेगा, नहीं तो जैसा पलंग वैसा जीवन। राजसिक प्रवृत्ति, ठीक है, मनुष्य हूँ, गण क्षत्रिय वर्ण, पूर्व दिशा बायां हाथ, लेफ्ट हैंड, ठीक है। ब्राइट ब्लू कलर, अग्नि इनके देवता हैं, बैल, ऐसे लोगों को बैल पालने चाहिए, और बैल ना भी पाले तो घर में बैल का कोई ना कोई मॉन्यूमेंट रखना चाहिए। मोर, मोर का भी इन्हें घर में फोटो रखनी चाहिए, और मोर पालने तो बहुत अच्छी बात है। स्ट्रांग विल पावर के लोग, बहुत तगड़ी विल पावर, भाई साहब हिला नहीं सकते आप इनको, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में पैदा हुआ व्यक्ति है, इनकी विल पावर को हराना मुश्किल है, मुश्किल, ठीक है। हस्त नक्षत्र कन्या राशि, 10 डिग्री से लेकर 23.20 डिग्री तक, चंद्रमा इसके देव स्वामी हैं, और पुरुष जो है लिंग। अब आप बोलोगे चंद्रमा तो भैया स्त्री का कनेक्शन नहीं, पुरुष भी इमोशनल होते हैं भैया, चंद्रमा पुरुषों का भी अच्छा होता है। सावित्र देवता हैं, हथेली में इनका हस्त नक्षत्र, मतलब हथेली, हथेली में इनका राज होता है। कांग्रेस वालों सुन लो, तुम लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है हस्त नक्षत्र, अगर कोई हस्त नक्षत्र में पैदा हुआ है कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ले, ठीक है,
और जो कांग्रेस पार्टी में है, अगर देख लो तुम हस्य नक्षत्र में पैदा हुए हो तो तुम्हें कांग्रेस पार्टी में थोड़ा नेम फेम मिल जाएगा, अन्यथा तो तुम जिंदगी भर जूते घिसते रहो, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, राजसिक प्रवृत्ति के लोग होंगे, देवता इनके गण होंगे, वैश्य वर्ण होंगे, दक्षिण दिशा है, उंगलियां, इसका जो हस्त नक्षत्र वालों की उंगलियां बहुत टटर टटर चलती हैं, आप देख लेना अक्सर लोग बहुत बजाते रहते हैं, है ना, ऑफिस की टेबल बजाते रहेंगे, कार में बजाते रहेंगे, और बहुत अच्छे तबलची भी होते हैं, इनकी उंगलियां बहुत बढ़िया चलती हैं, म्यूजिशियन, अरे भाई एक से एक आप देखो ना, बढ़िया म्यूजिशियन निकलते हैं ये, क्योंकि उंगलियों का खेल है पूरा। हरा रंग अग्नि इनका तत्व है, भैंस इनके, इनको भैंस पालनी चाहिए, अच्छा होगा इनके लिए, शरीर अच्छा रहेगा। फाल्कन अगेन बाज पालना चाहिए, जैस्मिन इनके लिए अच्छी फ्रेग्रेंस है, जैस्मिन का पौधा घर में लगाएं। अपॉर्चुनिस्ट बहुत ही मौका परस्त लोग, जीवन में हर हमेशा मौके की तलाश में रहते हैं, जब मौका मिलता है अपना काम करके निकल लेते हैं, मौका कभी नहीं छोड़ते ये लोग हस्त नक्षत्र के, मतलब अगर ये क्रिकेटर बन जाए तो इनसे कैच नहीं छूटेगा, क्योंकि कैच भी एक मौका ही है। बहुत अच्छी बॉलिंग करेंगे, क्योंकि उंगलियों का खेल है बॉलिंग में, और कैच में भी बहुत उंगलियों का खेल है, फिट विकेट कीपर बहुत अच्छे होंगे, कैच बाउंड्री पे खड़ा कर दो, उछल के कैच ले लेंगे, गुलाटी मार के कैच ले लेंगे, अच्छे क्रिकेटर की निशानी, अच्छे टाइपिस्ट की निशानी, बढ़िया कंप्यूटर हो लैपटॉप हो, तड़ातड़ आप बोलते जाओ ये टाइप करता जाएगा फुल स्पीड में। चलो भाई अब आते हैं चित्रा नक्षत्र की ओर। चित्रा नक्षत्र कन्या राशि में 23.2 डिग्री से 6.40 डिग्री, मंगल इसके स्वामी हैं, स्त्री इसका लिंग है, विश्वकर्मा इसके देवता हैं। विश्वकर्मा बोले तो आर्टिस्ट, बहुत बढ़िया, कौन से आर्टिस्ट, वो आर्टिस्ट जो इंजीनियर होते हैं, एक तरह के इंजीनियर, सॉरी आर्टिस्ट तो ठीक है, इंजीनियर बहुत अच्छे होते हैं ये लोग। आप देखोगे तो श्री कृष्ण भगवान की जो द्वारिका नगरी है, जो अभी गुजरात में आप जाएंगे द्वारका, तो वहाँ डूबी हुई है, वो विश्वकर्मा देवता ने ही बनाई थी अपने हाथों से, और बहुत सुंदर है, समुद्र के अंदर डूबी हुई है पर बहुत सुंदर है। तो पुराने ज़माने में देवी देवताओं के समय में विश्वकर्मा देवताओं के हाथ की जितने भी आपको मंदिर मिलेंगे आज 5,000-10,000 साल पुराने, उनकी कला देखो एक नंबर होती है, इंजीनियरिंग ऐसी ऐसी इंजीनियरिंग है, आज के इंजीनियर तो इनकी ही किताबें चुरा के बने हैं, जितने वेस्टर्न इंजीनियर हैं ना, जितना वेस्टर्न वर्ल्ड बना है, ये विश्वकर्मा जी की किताबें चुरा के ले गए अंग्रेज हमारे यहाँ से, और जाके इन्होंने वेस्टर्न वर्ल्ड बनाए। चमकीले आभूषण पहनने चाहिए तामसिक प्रवृत्ति के, राक्षस गण के, और सेवक लोग होते हैं, बहुत अच्छे एम्प्लॉय होते हैं। पश्चिम इनकी दिशा है, गला इनका बेसिकली आपको बहुत आकर्षक दिखेगा। काला रंग अग्नि, काला रंग इनके लिए अच्छा है, अग्नि इनका तत्व है, शेरनी इनको माता शेरावाली की पूजा जरूर करनी चाहिए, है ना, शेरनी का फोटो लगाना चाहिए। वुड पैकर, पंछियों में वुड पैकर होते हैं ना जो, और बेल का पौधा घर में लगाना चाहिए। बेसिकली हम बात कर रहे हैं चित्र नक्षत्र की, बेल का पौधा लगाना चाहिए, और स्ट्रांग लोग होते हैं बहुत मजबूत, तगड़े शरीर से मजबूत, दिमाग से मजबूत, स्ट्रांग लोग होते हैं। फिर आते हैं हम, हाँ मैंने चित्रा नक्षत्र के लोगों को देखा है भाई, विल पावर, स्ट्रांग पर्सनैलिटीज होते हैं। स्वाति नक्षत्र तुला राशि 6.40 डिग्री से लेके 20 डिग्री तक, और चित्रा नक्षत्र था 23.20 डिग्री से तुला राशि के 6.40 डिग्री तक। तो अब स्वाति नक्षत्र तुला राशि में 6.40 डिग्री से 20 डिग्री तक, अगेन राहु का नक्षत्र, अगर स्वाति नक्षत्र में किसी का राहु प्लेस्ड हो जाए, ऐसा कहा जाता है राहु देवता के कुछ खास नक्षत्र हैं जहां अगर वो प्लेस्ड हो गए तो आपको मल्टी मिलियनर बना के ही छोड़ते हैं, शरद पवार जी की कुंडली देख लो, और ऐसे ऐसे मतलब देखो मैं जो नक्षत्र बोलूँगा वो ये नहीं कह रहा हूँ शरद पवार जी का स्वाति नक्षत्र में राहु है, एक बात बता रहा हूँ उनका भी राहु बहुत अच्छा है, तो मैं आगे चल के कुंडली किसी वीडियो में बताऊँगा कि जिन लोगों का राहु इन नक्षत्र में है वो बहुत बहुत मल्टी मिलियनर और बहुत बड़ी चीज़ होते हैं, जैसे शरद पवार साहब हैं, बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत ही बड़े आदमी हैं भैया,
बड़े पॉलिटिशियन हैं। इंडिया की पॉलिटिक्स में शरद पवार साहब का बहुत ही ज़्यादा नाम है। और दूसरा आप देख लो कि गैंगस्टर्स में राहू दाऊद इब्राहिम का बहुत बहुत पावरफुल राहू है। और देखा जाए तो नेताओं में और आपके जवाहरलाल नेहरू जी का राहू बहुत तगड़ा है। एक्टर्स में शाहरुख खान का राहू बहुत पावरफुल राहू है। भैया अगर मल्टी मिलियनर और बिलियनर बनना है ना, मुझसे पूछ लेना, एक सेकंड में कुंडली में देख के बता दूंगा। राहू का खेल है आज कलयुग में, राहू जिसका पलवान है सुपर डुपर बना देता है। वायु देवता यंग और चिन्ह जो है, यंग स्ट्रॉन्ट होता है और यंग स्प्राउट, थोड़ा सा मैं बाद में क्लियर करूँगा। तामसिक होते हैं प्रवृत्ति से, देवता गण होते हैं, कसाई वर्ण होता है, राहु का तो है ही कसाई है। उत्तर दिशा है सीना और छाती, यहाँ पे राहु देवता का वास होता है हमारे बॉडी में। काला रंग है राहु देवता का, अग्नि इनका तत्व है, भैंसा भैंसा मेल भैंसा ये इनका है। बी ईटर मतलब एक पंछी होता है जो मक्खियों को खाता है, बी ईटर कहते हैं उसे। फिर इमेजिनेशन एक्टर, मैंने शाहरुख खान का नाम लिया। राहु नक्षत्र पता कर लेना, शाहरुख खान का शायद इसमें है या दूसरा राहु जो है शाहरुख खान का वो है अपने ही नक्षत्र में, वृषभ राशि में है मेरे ख्याल से बात। हाँ इमेजिनेशन क्या है, ये लोगों की इमेजिनेशन बहुत तगड़ी होती है। अगर राहु आपका इस नक्षत्र में है तो आप वो इमेजिन कर सकते हो जो दुनिया नहीं सोच सकती, आप उतनी दूर की कौड़ी लगा लेते हो जो दुनिया में किसी को पता ही नहीं होती। ये बहुत अच्छे राजनेता, बहुत अच्छे प्लेयर्स होते हैं, चेस खेलते हैं, अगर इनके साथ चेस खेल लो तो इनसे जितना मुश्किल है, क्योंकि 10 साल आगे की सोचते हैं, इसीलिए बहुत अच्छे राजनेता भी होते हैं। स्वाति नक्षत्र की बात चल रही थी, ठीक है। फिर आता है विशाखा नक्षत्र। तुला राशि में 20 डिग्री से लेकर वृश्चिक राशि 3.20, स्वामी गुरु, स्त्री लिंग इंद्र देवता इसके स्वामी है, विशाखा नक्षत्र के स्वामी इंद्र देवता है। भैया समझ लो इंद्र के बाद तरह सारे ही सुख इनके पास होंगे, होना चाहिए, है ना। बेसिकली अग्नि देवता है, युवा चिन्ह है, सात्विक प्रवृत्ति है, राक्षस देवता है, मलेच इनकी वर्ण है, पूर्व दिशा ये स्तन छाती, वही इनका भी स्त्रियों में जो बॉडी पार्ट है छाती जिसे कहते हैं, कलेजा में इनका आधिपत्य है, सुनहरा रंग है, अग्नि इनकी तत्व है, शेर इनको, शेर अगेन शेर वाली माता की पूजा करनी चाहिए, वो शेर का फोटो लगाना चाहिए। टाइगर जैसे लोग होते हैं भाई, शेर दिल लोग किसी से नहीं डरते, स्वाति नक्षत्र में पैदा हुआ आदमी शेर है, रेड टेल स्पैरो है ना पंछियों में, फ्रॉड लोग होते हैं साले, ठीक है, पर कोई बात नहीं, अच्छाई भी होती होगी। आर्टिस्टिक पर्सनालिटी, आर्टिस्ट क्या है, आर्टिस्ट कलाकार जो होता है वो चोरी तो होता है, फ्रॉडी तो होता है, वो लोगों के कैरेक्टर्स चुरा के प्ले करता है, उसे ही तो आर्टिस्ट कहते हैं, उसे ही तो कलाकार कहते हैं, वो सब कुछ झूठ बेच रहा होता है कलाकार, इसलिए तो उसे कलाकार कहते हैं। वो अपनी रियल लाइफ कभी आपके सामने नहीं रखेगा, उसकी रियल लाइफ आपको कभी पता नहीं चलेगी। बड़े बड़े आर्टिस्ट ऐसे ही हुए हैं, इसी नक्षत्र के लोग हुए हैं, विशाखा नक्षत्र के तुला राशि में, उनकी दुनिया के सामने ऐसे ऐसे कैरेक्टर प्ले कर लिए पर रियल लाइफ में देखोगे अंदर कुछ और ही होते हैं। तो ये बेसिकली बहुत अच्छे आर्टिस्ट की निशानी है, बहुत फ्रॉड लोग भी होते हैं, ठीक है। फ्रॉड वही है यार कि आप जो हो वो किसी को ना बताओ और कुछ और प्ले करो। फिर अनुराधा नक्षत्र वृश्चिक राशि में 3.20 डिग्री से लेके आपका 16.40 डिग्री, शनि इसके स्वामी है, पूर्व दिशा है, मित्र जो है देवता है हमारे, बुलंद दरवाजा, गेटवे ऑफ इंडिया। अगर आप देखोगे तो इनका जो साइन है आपको गेटवे ऑफ इंडिया की फ़ोटो लगानी चाहिए अपने मोबाइल की टीवी पे। तामसिक लोग होते हैं, देवता गण होते हैं, शूद्र वर्ण होता है, दक्षिण दिशा होती है, पेट पे इसका हिस्सा जो है इफेक्ट होता है, अनुराधा नक्षत्र का हमारे शरीर में पेट होता है,
रेड ब्राउन कलर होता है, अग्नि तत्व है, हिरनी, हिरनी जो जानवरों में हिरनी है इसके इफेक्ट में, नाइट एंजल जो होते हैं है ना पंछियों में नाइट एंजल, और नॉट गुड फॉर पार्टनरशिप ऐसे कहा जाता है। और जैसे मैंने भी देखा है रियल लाइफ एक्सपीरियंस है कि अगर अनुराधा नक्षत्र में कोई पैदा हुआ है वो पार्टनरशिप के लिए अच्छे लोग नहीं होते हैं, कोर्ट कचहरी तक बात चली जाती है, तलाक हो जाता है, बहुत मुश्किल है अगर अनुराधा नक्षत्र के साथ सर्वाइव करना। अगर आपके पार्टनर हैं तो ये मान के चलो बड़ी दिक्कत है आपके लिए भैया, मैंने तो एक्सपीरियंस लाइफ में देखा है लोगों का, अनुराधा नक्षत्र में किसी का अगर जन्म हुआ है और आपकी शादी हो गई तो आप समझ लो कि यहाँ तो पूरा जीवन नरक की तरफ भोगोगे, यहाँ तो कोर्ट कचहरी करनी पड़ेगी और वहाँ पे भी वो पीछा नहीं छोड़ते, सालों खून चूस बहुत सताते हैं भाई साहब, इतना सताते हैं अनुराधा नक्षत्र के पैदा हुए लोग, इनसे कभी शादी नहीं करना, बिजनेस पार्टनरशिप नहीं करना, बाकी ठीक है दूर रहो, बस मिलो खाओ पियो दोस्ती करो ठीक है, शादी नहीं करना, बिजनेस पार्टनरशिप मत करना अनुराधा नक्षत्र में पैदा हुए व्यक्ति के साथ। दूसरा अनुराधा नक्षत्र का व्यक्ति है वो शादी कर ले चलेगा, क्यों, यहाँ तो कोई ऐसा मंगल का नक्षत्र हो वो शादी कर ले चलेगा, क्योंकि ये शनि का नक्षत्र है, शनि से शनि जीत सकता है, शनि से मंगल जीत सकता है, साधारण व्यक्ति को इनके चक्कर में नहीं उलझने का है। हाँ अगर कोई मंगल से जुड़ा व्यक्ति है, मंगल के नक्षत्र से जुड़ा व्यक्ति है वो कर ले इससे शादी, तो जहाँ ये टेढ़ा जहाँ ये इफेक्ट बुरा दिखाएगा वो मंगल इससे लड़के भिड़ के जीत जाएगा। चलो आगे बात करते हैं। वैसे इस राशि के जो स्वामी है वो भी मंगल ही है, अब वृश्चिक राशि के, अब बात करते हैं कोर्ट कचहरी में, अगर इन्हें वाकई में अगर इन लोगों को अपने जीवन में कोई प्रोफेशन चुनना है तो इन्हें वकील बनना चाहिए या जज बनना चाहिए, इनकी लाइफ कोर्ट कचहरी में अगर गुजरेगी तो इनका साधारण जीवन अच्छा होगा, इनकी फैमिली लाइफ अच्छी होगी। अगर कोई अनुराधा नक्षत्र में पैदा हुआ है तो उसे जाकर वकील बन जाना चाहिए, जज बन जाना चाहिए, कोर्ट कचहरी में कोई ना कोई बिजनेस कर लेना चाहिए, वकील जज नहीं बना तो वहाँ जाके चाय की दुकान खोल ले कोर्ट कचहरी में जाके, या वहाँ जाके स्टेशनरी बेचे, कुछ भी करे पर कोर्ट कचहरी डेली जाए, क्योंकि अगर कोर्ट कचहरी जाएगा तो वो दोष खत्म हो जाएगा, तो वो उसकी पार्टनरशिप जो होगी वो इफेक्ट नहीं होगी, घर में उसके जो कलेश है पति पत्नी का वो नहीं होगा, तो उससे जो पार्टनरशिप है वो खराब नहीं होगी, क्योंकि कोर्ट कचहरी खींचता ही है अनुराधा नक्षत्र का व्यक्ति, या तो खुद दूसरों को खींचेगा या उसे कोई खींच लेगा, कर्म ऐसे क्या कर सकते हैं, बड़े दुख देते हैं भाई अनुराधा नक्षत्र के व्यक्ति, ध्यान रख लेना। फिर आता है ज्येष्ठ नक्षत्र, वृश्चिक राशि 26.40 डिग्री से लेकर धनु राशि 10 डिग्री तक, नहीं 16.40 डिग्री वृश्चिक राशि से लेकर 30 डिग्री वृश्चिक राशि तक रहता है, बुध इसके स्वामी है, ज्येष्ठ नक्षत्र व्यापारियों का नक्षत्र, और स्त्री इसका लिंग है, इंद्र इसके देवता, भाई ऐसे व्यापारी जो बहुत सक्सेसफुल होते हैं ज्येष्ठा नक्षत्र के होते हैं, बहुत बुद्धिमान लोग होते हैं व्यापार, और इंद्र जैसा इनके पास राजपाट होता है, इंद्र की तरह सारे सुख होते हैं, खूब धन दौलत गाड़ियाँ बंगले बिजनेस ऐसे चल रहे हैं, बहुत बहुत शानदार व्यापारी लोग होते हैं, पर व्यापारी बढ़िया है कंजूस तो होगा तो वो एक इनके अंदर एक बुराई होती है कि व्यापारी बढ़िया बुद्धि होने के कारण कंजूस भी होते हैं। फिर राउंड प्रोटेक्टिव आमलेट है ना चिन्ह है इनका, सात्विक प्रवृत्ति है, राक्षस गण है, सेवक ये बहुत अच्छे एम्प्लॉय भी होते हैं, मतलब बैंकिंग अकाउंटिंग में बैंकिंग जॉब में ये लोग बहुत अच्छा करते हैं और बहुत अच्छा ही करते हैं। पश्चिम इनकी दिशा है, मनी माइंडेड लोग होते हैं, पैसे के अलावा कुछ नहीं दिखता इन्हें, पैसे के लिए तो भाई साहब बाप को भी बेचते हैं, सच कह रहा हूँ थोड़ा कड़वा है पर सीरियसली पैसे के अलावा इन्हें कुछ नहीं देखता। शरीर का राइट साइड का जो बॉडी का पार्ट है इस पे हमारा इफेक्ट होता है इस नक्षत्र का, रेड ब्राउन कलर है, वायु तत्व है, हिरण मेल हिरण का जानवर है, पंछी जो है चटाका पक्षी होता है एक वो है, फोर्सेस और घुरी। अब ये लोग चाहें अगर संसार
छोड़ने की सोचे तो ये सीधा जाके अघोरी ही बनते हैं, ठीक है। और ये लोग कई बार आर्मी फोर्सेस में भी होते हैं और वहाँ पे भी बहुत अच्छी सर्विस देते हैं। अब आप कहोगे यार बुद्ध बुद्ध का प्राणी फोर्सेस में कैसे जाएगा, देख लो बुद्ध, लोगों को लगता है कि यार फिर व्यापार ही कर सकता है, ऐसा नहीं है। आर्म फोर्सेस में भी बुद्धि की बहुत ज़रूरत होती है, कई सारे जितने कम्युनिकेशन के काम होते हैं आर्म फोर्सेस में वो बुद्ध से ही होते हैं, है ना। तो ऐसे लोग वहाँ पे बहुत अच्छा करते हैं और व्यापारी तो अच्छे हैं ही। फिर आ गए मूल नक्षत्र धनु राशि 0 डिग्री से लेके 13.20 डिग्री। अगेन मूल नक्षत्र केतु का होता है, मध्यम होते हैं। बेसिकली कहा जाता है कि मूल नक्षत्र में पैदा हुआ व्यक्ति जो है लिंग मध्यम होता है, मतलब पूरी तरह एकदम गठीला पुरुषों वाला शरीर भी नहीं होगा, पूरी तरह स्त्री वाला शरीर भी नहीं होगा, मीडियम होता है। इसलिए कई बार इनमें इनफर्टिलिटी भी होती है, ऐसे कहा जाता है, नपुंसकता भी आ जाती है ना, क्योंकि पूरी तरह नहीं हो पाते हैं। कई बार ऐसे भी होता है मूल नक्षत्र में पैदा हुए लोगों को, कई बार ऐसा होता है कि आपको समझ में नहीं आता कि यार ये बिहेव कैसा कर रहा है, औरतों की तरह बिहेव करते हैं कई बार। मतलब चलो शरीर की बात तो छोड़ो, इनके बिहेवियर में कई बार ऐसा लगता है आदमी है तो औरत की तरह क्यों बिहेव कर रहा है भाई, या स्त्री है तो आपको लगे यार तू पुरुषों की तरह क्यों बिहेव कर रही है। बहुत है ना मिडिल पर्सनैलिटीज़ होते हैं, कभी इधर कभी उधर ऐसे चलते हैं। नैऋत्य इनके देवता हैं, टैंगल्ड रूट्स हैं, इनका साइन तामसिक हैं, प्रवृत्ति राक्षस गण हैं, कसाई इनका वर्ण है, उत्तर दिशा है, बॉडी का लेफ्ट हिस्से पे इनका आधिपत्य है। फिर मस्टर्ड ब्राउन येलो कलर है, वायु तत्व है, कुत्ता जो है वो केतु से कनेक्टेड है, जैसे ही मैंने एक दूसरे वीडियो में बताया कि कुत्ता पालना चाहिए अगर आपको पितृ दोष है केतु से लग रहा है तो कुत्ता पालना चाहिए भूरे रंग का, और राहु से लग रहा है तो काले रंग का कुत्ता पालना चाहिए। चक्रवका एक पंछी होता है और डोमिनेटिंग नेचर, भाई साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर मूल नक्षत्र का कोई व्यक्ति है, जैसे पुराने जमाने में क्या होता है ना कि मल नाम, जैसे नाम के आगे मल लगता था, सूरज मल, राधा मल, है ना, किशन मल, ये मल वो मल, तो जितने लोगों के नाम के आगे मल लगता था ना, ये एक्चुअली मूल नक्षत्र की साइन होता था। पंडित जी नाम ही ऐसा रखते थे कि उसमें मल जरूर होता था। लड़कियों में भी देखना, अगर म ल लग रहा है, जैसे मालती नाम हो गया, तो मूल नक्षत्र की पैदाइश होती है, इसलिए पंडित जी म और ल जरूर। महालक्ष्मी नाम है किसी का, उसमें भी अक्सर आप देखना मूल नक्षत्र की पैदाइश होती है। तो ये लोग जो होते हैं बेसिकली बहुत डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं, ये बात तो मैंने देखी है भाई। मूल नक्षत्र वालों को मैं बहुत करीब से जानता हूँ, ये लोग डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं, ये किसी के सामने झुकते नहीं हैं, लोगों को अपने सामने में ही झुकाने में ही इनका पूरा दिमाग लगा रहता है कि अरे तू मुझे झुकाएगा, इनके मतलब ईगो इतना खतरनाक है भाई, तू मुझे झुकाएगा। ईगो तो इनका ऐसा है कि आपने तू करके भी बात कर ली ना तो भाई चोट लग जाती है दिल में, आप करके बात करो। मूल नक्षत्र का कोई पैदाइश है, आप तू करके बात कर लोगे तो बुरा लग जाएगा, ईगो इनका हर्ट कभी मत करना भैया, मैं आपसे निवेदन करता हूँ। मूल नक्षत्र का अगर आपका कोई भाई बहन है, इनका ईगो हर्ट मत करना, ईगो हर्ट कर लिया ना आपके जीवन को नरक बना देंगे, ये अपना नुकसान कर लेंगे, आपका नुकसान कर लेंगे, इतना ये जेलेसी इनके अंदर भरपूर है। जितने भी केतु नक्षत्र के लोग हैं इनके अंदर जेलेसी भरपूर है, क्योंकि केतु को क्या चाहिए, रिस्पेक्ट। अगर आप उसको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही और आपको मिल रही, जल जाएंगे, भुन जाएंगे भाई साहब। और तकलीफदायक नक्षत्र है मूल नक्षत्र। लाइफ तीन हिस्सों में होती है, तीन हिस्सों में अक्सर एक हिस्सा अच्छा होता है, दो हिस्से खराब होते हैं, जो भी है सैड है। पिछले जन्मों का हिसाब किताब चलता रहता है, पितृदोष का हिसाब किताब चलता रहता है। इनको मेरा दूसरा वीडियो देखना पितृदोष वाला, वो उपाय करने चाहिए इस नक्षत्र के लोगों को, राहु और केतु से और शनि से संबंधित लोगों को मेरे उपाय कर लेने चाहिए जो मैंने दूसरे वीडियो में बताया। अब आते हैं पूर्व आषाढ़ा नक्षत्र धनु राशि 13.20 डिग्री 26.40 डिग्री तक होगा। पद सब में चार होते हैं, उसके हम बाद में बात करेंगे। शुक्र इसके देवता हैं और स्वामी हैं,
स्त्री तत्व की राशि है, जल देवता है। हाँ, जल देवता पूर्व आषाढ़ा नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है तो जल घर में साफ रखें, अच्छा रखें, जल अधिक पिए, जीवन बढ़िया रहेगा। अनाज साफ करने की सुपरी होती है, एक हमारे घर में एक पुराने ज़माने में ना एक ऐसी सुपरी होती थी जिसमें अनाज साफ होता था, ऐसे उछालते थे, कंकर निकालते थे, तो वो घर में एक रखनी चाहिए, ठीक है। और राजसिक लोग होते हैं, मनुष्य गण है इनका और ब्राह्मण वर्ण है। पूर्व दिशा होती है पीठ, हमारे शरीर में पीठ का जो हिस्सा होता है उस पर इसका आधिपत्य है। ब्लैक कलर है, वायु तत्व है बंदर जो साइन है, अगर आपके घर में बंदर है ना, तो सॉरी बंदर का फोटो रखें और तोता पालें, तोता पालना बहुत अच्छा होता है। करेजेस और स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग, हनुमान जी की जय, है ना। हनुमान जी बहुत हिम्मत वाले, स्ट्रेट फॉरवर्ड, रावण के पास गए, लंका में गए, जितने भी राक्षस बीच में, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात की, भैया मैं मेरे काम के लिए जा रहा हूँ, मेरे प्रभु के काम के लिए जा रहा हूँ, बीच में मत आओ, ठीक है। किसी ने बोला युद्ध करना है, ठीक है भाई कर ले तेरी इच्छा है, तो रावण को भी जाके समझा दिया, देख ले भैया सीता जी को लाया है, मेरी माँ है, मेरे पिताजी राम जी खड़े हैं पीछे, अगर नहीं लौटाया तो मेरे प्रभु, मेरे आराध्य, मेरे पिता समान मेरे राम और ये मेरी माता समान मेरी सीता, इनके लिए मैं कुछ भी कर लूँगा। नहीं माना रावण, लंका जला दी। तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग, ठीक है। करेजस, अच्छा तोता, जैसा जैसा संदेश आप दोगे वैसा का वैसा ही पहुंचाएंगे ये लोग। इन्होंने कोई बात सुनी है, सिटेस डिट्टो कॉपी पेस्ट करके सुना देते हैं। आप इनको कोई भी पूरे एक पेज का आप इनको निबंध सुना दो, इनको बच्चे को पूछ लो इस जन्म में इस नक्षत्र में पैदा हुए, वो पूरा डिट्टो सुनाएगा आपको, बहुत अच्छी मेमोरी, बहुत अच्छी है। फिर जैसे सीता जी से जो हाल लिए वही राम जी को हनुमान जी ने सुनाए, एक शब्द ना इधर ना उधर। चलो, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र धनु राशि 26.40 डिग्री से लेके मकर राशि 10 डिग्री, सूर्य इसके स्वामी, स्त्री लिंग है, विश्व देवा इनके देवता हैं, हाथी दांत चिन्ह है, राजसिक प्रवृत्ति है, अगेन मनुष्य गण है, वर्ण क्षत्रिय है, दक्षिण दिशा है, मोक्ष के कारक हैं, कमर पे हमारा जो कमर का हिस्सा है ये उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में आता है, कॉपर धातु है, इसलिए कहते हैं कॉपर की बॉटल में पानी पिए कमर मजबूत होगी, कमर के दर्द वालों को फायदा होगा, इसीलिए तो कहते हैं। वायु तत्व है, मुंगूस जानवर है, कॉक पंछी है, रिच बिजनेसमैन बहुत ही धनवान व्यापारी लोग अक्सर होते हैं उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के लोग। इसके बाद आते हैं मेरा फेवरेट नक्षत्र श्रावण नक्षत्र, मकर राशि में 10 डिग्री से 23.20 डिग्री, चंद्रमा इसके स्वामी, पुरुष लिंग है, विष्णु देवता, भगवान विष्णु देवता है इस नक्षत्र के, ट्री स्टार्स तीन तारे जो होते हैं ना वो इसके चिन्ह हैं, राजसिक प्रवृत्ति, देवता गण, मलिच वर्ण, उत्तर दिशा, जेनाइटल्स हमारे जितने भी कहते हैं ना विष्णु चलाते हैं जीवन को, तो हमारे बॉडी पार्ट में जो हमारा जेनाइटल एरिया है उस पर इसका, इसलिए विष्णु जी के आशीर्वाद से ही लोगों को संतान की प्राप्ति होती है, जेनाइटल्स पे इनका इफेक्ट होता है। लाइट ब्लू कलर होता है, वायु तत्व है बंदरिया, अगर आप पालते हैं बंदरिया को खाना खिलाते हैं तो आपके लिए अच्छा है। फ्रैंकलिन एक पंछी होता है, उसकी भी फोटो लगाएं। टीचर बेसिकली बहुत अच्छे टीचर होते हैं, प्रोफेशन से बहुत अच्छे गुरु माने जाते हैं ये, पर बात यहाँ ख़त्म नहीं होती है। श्रावण नक्षत्र मेरा फेवरेट क्यों है, बिकॉज एक्टर्स कलाकार, विष्णु जी से बड़ा कौन कलाकार, 10 तो अवतार लेने हैं उन्हें, 9 ले चुके हैं, 10वां लेना बाकी है, राम बन गए, कृष्ण बन गए, और श्री कृष्ण ने जब विराट रूप दिखाया तो कहा सारी सृष्टि जो है मेरे अंदर ही है, मुझ में ही है, मैं ही हूँ विष्णु, तो भैया इनसे बड़ा कोई कलाकार नहीं है, महान कलाकार श्रावण नक्षत्र में पैदा हुए लोग, सबसे बड़े कलाकार एक्टर्स, ठीक है। टीचर सबसे बड़े ज्ञानी, विश्व क्या पूरी भगवत गीता का ज्ञान दे दिया अर्जुन को कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण ने, तो अगर आपको अच्छा स्टूडेंट बनना है
इस नक्षत्र के लोगों को विष्णु जी की नमस्कार डेली करना है, डेली उनको प्रणाम करके ही स्कूल जाना है, फोटो रखें। फिर धनिष्ठा नक्षत्र मकर राशि 23.2 डिग्री से 6.40 कुंभ राशि में, मंगल इसके स्वामी स्त्री जो है लिंग की राशि है, वसु इसके देवता हैं, ड्रम इसका साइन है, तामसिक प्रवृत्ति के लोग, राक्षस गण क्षत्रिय वर्ण से, क्षत्रिय मतलब लड़ाके, पूर्व दिशा है और एस होल, सॉरी हम गाली नहीं दे रहा हूँ, पर हमारी बॉडी में जो एनस एरिया होता है, जो हमारा छिद्र होता है जहाँ से हम मल त्याग करते हैं, वहाँ पे इसका आधिपत्य है। कई लोगों को बवासीर हो जाती है, ज़्यादा तीखा खाते हैं, या जिनका मंगल इस नक्षत्र में होता है, ये भी बता देता हूँ, उनका रूट चक्र बहुत ज़्यादा फैला हुआ होता है, जिनको ऐसी बीमारियाँ होती हैं, क्योंकि वहाँ बहुत गर्मी होती है, इन्हें पानी बहुत पीना चाहिए। और ऐसे लोग जो हैं ऑफिसेस में, ऐसे बॉसेस होते हैं जिन्हें गाली में भी यही शब्द मिलता है ना, और ये बहुत धनवान और बहुत पावरफुल लोग होते हैं। अगर मंगल यहाँ बैठा है किसी का और इसी नक्षत्र के वो पैदाइश हैं, इस नक्षत्र के खासकर पैदाइश हैं, तो वो बहुत ही भाई साहब गुस्सैल स्वभाव के और पावरफुल लोग, निडर लड़ाके, किसी से नहीं डरते और सबकी वाट लगा के रखते हैं। और अगर मंगल गलती से यहाँ बैठ गया तो भाई इनके कंपटीशन में जाना भी मत, इनके रास्ते में इनके आड़े आना भी मत, ठीक है। पैसा इतना कमा लेते हैं, इतना ठोक पीट के ले आते हैं, और चाहे जिससे लड़ भिड़ के जीत के आ जाते हैं सब भाई साहब, ये जो इनको गाली दी जाती है वो सही दी जाती है। सिल्वर चांदी रंग है, आकाश तत्व है, और लाइनस शेरनी, मैंने बताया ना, चीर फाड़ के खा रहा जाए, खा के आ जाए शेरनी, क्योंकि शेर जो है ना एक बार फिर भी छोड़ देगा, उसका पेट भरा है, शेरनी नहीं छोड़ेगी। अगर पेट भरा हुआ तो भी चीर फाड़ के मार के खा लेगी, आगे बच्चों के लिए रख लेगी, संभाल के रख लेगी। तो ये लोग बहुत कट्टर बिजनेसमैन होते हैं भाई साहब, पैसों के लिए तो ये ऐसे होते हैं कि आप खून कर दें किसी का पैसों के लिए, मर्डर तक करवा दें किसी को ना छोड़ें। गोल्डन बी गोल्डन बी इनका पंछी है, फ्लैम्बॉयंट और डिग्निफाइड, मैंने बताया ना बहुत फ्लैम्बॉयंट पर्सनालिटी होते हैं, बहुत डिग्निफाइड लोग होते हैं समाज में, क्योंकि पैसा खूब होता है भाई साहब, ताकत खूब होती है, पावर खूब होती है, समाज डर के रहता है इनसे, सम्मान भी उसी डर में करता है, इस आदमी से पंगा लेंगे तो कहाँ छोड़ेगा नहीं, ठीक है। अब आ जाते हैं शतभिषा नक्षत्र, मेरा एक और फेवरेट नक्षत्र, कुंभ राशि में राहु का नक्षत्र, मैंने बताया था ना राहु के नक्षत्र कुछ ऐसे नक्षत्र हैं भाई साहब, और वहाँ राहु आके बैठ जाए आप आर पार लोग होंगे, दुनिया भर में नाम होगा और दुनिया भर की शौहरत और पावर आपके पास होगी, है ना। ये भी मध्यम है लिंग से, मतलब ये कैसा होता है कि इनको भी थोड़ा सा सेक्सुअल इशू तो रहता है। वरुण देवता इसके स्वामी हैं, जल के देवता, भगवान झूलेलाल है ना इसके स्वामी हैं, 100 तारों का झुंड आसमान में, तामसिक प्रवृत्ति, राक्षस गण, कसाई वर्ण, दक्षिण दिशा सीधी जांग, थाइस राइट थाइस और पे इसका इफेक्ट रहेगा आपका। एक्वामरीन रंग है इनका, एक्वामरीन समझ गए, ब्लू होता आज ब्लू है, पानी पानी समुद्र वाला। फिर आकाश इनका तत्व है, घोड़ी, घोड़ी इनका साइन है, इसीलिए दूल्हे को घोड़ी चलाते हैं शादियों में, समझे, तो बोलते ना फालतू की प्रथा है, क्यों घोड़ी चला रहे हो, घोड़ा क्यों नहीं चला रहे, अरे भाई घोड़ी इस नक्षत्र से कनेक्टेड है, ये नक्षत्र जो है ये बहुत चलायमान नक्षत्र है। एक कहावत है कि घोड़ी चलाने की प्रथा क्यों आई, घोड़ी चलाने की प्रथा इसीलिए आई कि राजे महाराजाओं के जमाने, देवी देवताओं के जमाने में सब माना जाता था कि जो व्यक्ति एक घोड़ी को काबू में कर लेगा वो अपनी पत्नी को भी काबू में कर लेगा, और जो घोड़ी को काबू न कर पाए वो पत्नी को भी काबू न कर पाए। इसीलिए एक प्रथा थी कि घोड़ी चढ़ के ही आएगा दूल्हा, मतलब उसे दुनियादारी की अकल तो है, एक घोड़ी तो संभाल सकता है, अगर घोड़ी संभाल सकता है तो मतलब पत्नी को भी संभाल लेगा, तो उसे तब ही पत्नी मिलती थी, शादी तब होती थी, अगर घोड़ी चढ़ के नहीं आया शादी मना हो जाती थी कि नहीं भैया घोड़ी नहीं चढ़ सकता है, हमारी बेटी को क्या संभालेगा, समझ रहे हो, ये बहुत बड़े लॉजिक्स हैं भैया, इनके चक्करों में है ना उल्टा सीधा मत बोला करो कि घोड़ी चढ़ना क्या होता है,
भाई आप घोड़ी नहीं अगर संभाल सकते ना, आप स्त्री को भी नहीं संभाल सकते। घोड़ी बेलगाम होती, स्त्री भी बेलगाम होती, सॉरी टू से, पर सत्य है। कोयल, फिर ये बहुत अच्छे एस्ट्रो स्पेशलिस्ट होते हैं और बहुत भाग्यवान होते हैं, है ना। और वैसे कहा जाता है ये राशि, कुंभ राशि और ये नक्षत्र चलायमान लोग होते हैं, ये लोग कभी रुकते ही नहीं है। कुछ राशियाँ ऐसी होती हैं और कुछ नक्षत्र ऐसे होते हैं, ये लोग कभी रुकते ही नहीं हैं, बहुत एक्टिव लोग होते हैं, चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं, काम करते ही रहते हैं, कभी थकते नहीं हैं, बहुत एक्टिव लोग होते हैं, लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होते हैं कुंभ राशि के। अगर आप देखोगे बहुत सारे लोगों के नाम सर से ही आते हैं, सक्सेसफुल लोगों के नाम। बहुत सारी ऐसी ब्रांड्स हैं जिनके नाम एस से ही शुरू होते हैं, ए बहुत पॉपुलर नेम है, वो भी ऐसा एक नक्षत्र है। मैं नक्षत्रों के नाम भी बताऊँगा आगे चल के, है ना, एक ऐसा वीडियो और बनाऊंगा जिसमें किस नक्षत्र का क्या नाम है भी बताऊंगा। क्या फंस गया? ओके, फिर आता है पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, कुंभ राशि 20 डिग्री से लेके मीन राशि 3.20 डिग्री तक। गुरु इसके स्वामी हैं, पुरुष का इसका लिंग है, भैरव इनके देवता हैं और स्ट्रेचर का अग्रभाग, जो स्ट्रेचर होता है हॉस्पिटल में, है ना, उसका जो आगे का हिस्सा होता है वो इसका चिन्ह है। किसी भी चीज़ पर अगर आप ठेला खींचता है व्यक्ति, तो वो जो ठेले का आगे के दो हैंडल्स होते हैं वो उसका चिन्ह है। स्ट्रेचर अगर हॉस्पिटल जाते हैं तो उसका भी जो अग्रभाग होता है वो उसका चिन्ह है। आप किसी भी चीज़ को अगर खींचते हैं उसमें नीचे टायर लगे हैं, तो जैसे पुराने ज़माने में हाथ गाड़ी होती थी, बैलगाड़ी होती थी, वो सब इसका जो है इस राशि के अंतर्गत आते हैं, इस नक्षत्र के। सात्विक प्रवृत्ति है, मनुष्य गण है, ब्राह्मण वर्ण है, पश्चिम दिशा है, बाईं जांग लेफ्ट थाइज होती है इनकी, है ना, इनकी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और लेफ्ट थाई पे इफेक्ट होता है इस नक्षत्र का, हम सबकी बॉडी में। ध्यान रखना है जो भी मैं बॉडी पार्ट बता रहा हूँ ये आगे काम आएंगे, लिख लेना। सिल्वर रंग होता है, आकाश तत्व होता है, लॉयन शेर, ठीक है, शेर का फोटो लगाएं, इस नक्षत्र में पैदा हुए लोग कबूतर पाले, ठीक है, और ये क्रिमिनल्स होते हैं बेसिकली। ऐसा पाया गया है कि कुंभ राशि, हाँ यार एक बात तो है कि मोस्टली लोग जो क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं सर से, जैसे संजय दत्त, है ना, कुछ ना कुछ क्राइम किया होता है लाइफ में। अक्सर देखा जाता है कि यार मोस्टली आदमी क्रिमिनल्स भी होते हैं, उनके नाम भी सर से ही मिलेंगे। खैर मैं स्पेशल अक्षर भी बताऊंगा, ऐसा नहीं है, इसमें दूसरे अक्षर भी आएंगे जिससे आपको पता चलेगा कि इस नक्षत्र का पैदा हुआ व्यक्ति या जिसके नाम चंद्रमा इस नक्षत्र में है वो क्राइम कर सकता है, तो पुलिस वालों के लिए बहुत अच्छा है। देख लो क्रिमिनल्स के नाम कहाँ से शुरू होते हैं। फिर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र 3.20 मीन राशि से 16.4 डिग्री, शनि का स्वामी है, पुरुष लिंग है, अहिर बुद्ध देवता है, स्ट्रेचर का पृष्ठभाग। अब वही मैंने बताया था, स्ट्रेचर मतलब खींचने वाली गाड़ी का पिछला हिस्सा इसका साइन है। तामसिक, अरे बहुत काम की चीज़ें हैं, इसे मजाक में मत लेना कि मैं ये क्यों बता रहा हूँ ये साइन। इनके फोटो लगा लोगे ना लाइफ में तरक्की कर जाओगे, हाथ गाड़ी है। प्रवृत्ति तामसिक है, मनुष्य गण है, क्षत्रिय वर्ण है, उत्तर दिशा है, घुटने पे इनका ऐसा होता है, घुटना, समझ रहे हो, कोई भी इंसान बिना घुटने के खड़ा भी नहीं हो सकता। घुटने अगर कमज़ोर हैं तो बताऊंगा क्या करना है। पर्पल रंग इनका है, आकाश तत्व है, गाय जानवर है, ठीक है, गाय के घुटने बहुत मजबूत होते हैं तो गाय भी पालना चाहिए और गाय का घी खाना चाहिए घुटने मजबूत करने के लिए। कुट्टम लीलाक पंछी होता है और ये बहुत बढ़िया तांत्रिक अघोरीज भी होते हैं भैया, है ना, वैसे तो दूसरे कामों में जीवन में अपने लिप्त रहते हैं, पर अगर ये तांत्रिक और अघोरी बन गए तो बहुत ऊंचाई, बहुत बड़े वाले बनते हैं। फिर आ गया अभिजीत, फिर रेवती नक्षत्र लास्ट है, 16.40 डिग्री मीन राशि से 30 डिग्री मीन राशि तक। बुध इसका स्वामी है, स्त्रीलिंग है, पूषण देवता है, ड्रम इसका साइन है, सात्विक प्रवृत्ति है,
गण देवता है, वर्ष वर्ण शूद्र है, दिशा कर्म पूर्व है, एंकल्स पैर के जो टखने होते हैं इस पे इसका इफेक्ट होगा। देखो मैंने जितने बॉडी पार्ट बताए हैं लिख लेना, क्योंकि मैं यहीं पे कलर्स लगाने को बोलूँगा जब मैं रेमेडीज दूंगा। तो ब्राउन रंग है, आकाश तत्व है, हथनी जानवर है, तो हथनी का घर में वो लगाएं आप, देखो अगर इस नक्षत्र में पैदा हुए तो फायदा होगा। महुआ एक पंछी होता है, इंट्यूटिव होता है, बहुत इंट्यूटिव लोग होते हैं जीवन में, इनकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छे स्पिरिचुअल लोग, जैसे कहते हैं ना स्पिरिचुअलिटी की राशि मीन राशि होती है, आखिरी राशि 12वां घर हमारा, ये बहुत स्पिरिचुअल लोग होते हैं, इंट्यूशन पावर बहुत होती है, आने वाली घटनाओं को देख समझ लेते हैं, उस हिसाब से जीवन जीते हैं, इन्हें इंट्यूशन हो जाती है कि ये काम कर रहा हूँ तो आगे ये होगा। तो भैया ये जो मैंने आज बोला है ये सब लिख लेना, एक वैसे कॉलम्स बना लेना, क्योंकि आगे की एस्ट्रोलॉजी इसी के बेस पे होने वाली है, इससे ना इधर जाऊँगा ना उधर जाऊँगा, आगे ही बढ़ूँगा, ठीक है। और सबसे इफेक्टिव एस्ट्रोलॉजी है बॉडी पे, सिर्फ एक कलर जो बॉडी पार्ट बताए ना उस पे अगर मैं कलर प्लेस करने को बोल दूँ और तुम कलर प्लेस कर लो, तुम्हारी कुंडली देख के बोलूँगा, ऐसे नहीं बोलूँगा भाई, क्योंकि उल्टा भी हो सकता है अगर बिना कुंडली देखे बोल दिया, पर अगर कर लो तो बाबू चमत्कार देखोगे जीवन में, चमत्कार जिसे कहते हैं ना, जिसे लोग बोलते हैं ज्योतिषी के पास जाते रहे, ज्योतिषी जी आप तो भगवान के वो हो, है ना, आपको भगवान से कनेक्शन है, आप चमत्कार दिखो, तो वो चमत्कार दिखा सकते हैं, ठीक है। चलिए गुड नाइट, बहुत टाइम हो चुका है, लिख लीजिए, फिर अगले वीडियो में बात करें।